आप सबको पता है हमारे नेता माननीय श्री शिवपाल सिंह जी जमीन से राजनीति शुरू की उन्होंने। हम लोग आज ये समय पर राजनीति कर रहे हैं जहां पे हम लोग के पास कई गाड़ियां, जब मीटिंग बड़ी है तो इसी के बड़े हॉल होते हैं। लेकिन आदरणीय इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी से, रघुराज जी से पूछिए अगर, तो एक समय था जब समाजवादी पार्टी को गठित किया गया था, साइकिल से पर्चे ले लेके प्रचार करने का काम किया था। 25 साल की मेहनत के बाद एक बड़े मकाम पर पहुंचाने का काम किया। और यही नहीं बल्कि मैं कहूंगा हमारे आप सबके नेता, जिनको हम नेताजी कहते हैं, हम लोग तो नाम भी नहीं लेते उनका, माननीय नेताजी को एक बहुत बड़ा रास्ता दिखाया था। उनको प्रधानमंत्री बनाने तक की पूरी जो भूमिका थी वो माननीय शिवपाल सिंह जी ने तैयार कर ली। आप सबको नहीं पता होगा इसके बारे में। बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां जो प्रदेश की पार्टियां हैं उसमें हमारे शरद यादव जी नेता, लालू प्रसाद जी, ममता बनर्जी और अब तमाम पार्टियां, चौटाला जी, अजीत सिंह जी, सब लोगों ने एक मत रखा था। उन्होंने अपनी सहयोग ही नहीं बल्कि अपनी पार्टियों का विलय करने के लिए समाजवादी पार्टी में तैयार हो गए थे और अपना नेता माननीय मुलायम सिंह जी को मान लिया था। लेकिन कुछ कारणवश अचानक से कहीं से एक खबर आई कि समाजवादी पार्टी इस विलय का समर्थन नहीं करती और वो सपना वहीं खत्म हो गया। और ये सपना हमारा सपना नहीं था, सिर्फ समाजवादी पार्टी का या समाजवादी लोगों का सपना नहीं था, इस देश के हर एक किसान, हर एक नौजवान, हर एक महिला जिसके लिए माननीय मुलायम सिंह जी नेताजी ने लड़ाई लड़ी उसका सपना पूरा होने का काम।